एक बार की बात है, विशालाया अर्थात विशाल कहीं नहीं लगा, किसी धाम में विशाल नहीं लगा, केवल एक जगह लगा, कहां? बद्री। भागवत में कितना सुंदर भाव सुत जी महाराज कह रहे हैं, एकदा ही विशालाया, कहां? बद्री विशाल, चत्वारे ऋषयो मला। ऐसे मानो जैसे अक्षय आंवला होता है ना, वैसे अक्षय नवमी की जो आंवला पूजा उजा करते ना, वैसे अभयराज को प्राप्त ऋषयो मला सिद्धो मला, साधारण ऋषि नहीं थे, सिद्ध ऋषि से चत्वार चार कौन थे? ब्रह्मा जी के मानस सनकादिक ऋषि। काहे नहीं गए भैया सत्संग के लिए? सोचिए काहे गए, क्या कारण? सोचे बद्रीनाथ चले जाएंगे, एकांत वासा न झगड़ा न झांसा, ज्यादा शोरगुल नहीं होगा, जो अवगो करेगा तो राम 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 करते आए। इतने ऊंचे पहुंची आप अगर ऋषिकेश के आगे गए ना, तो हनुमान चालीसा पढ़ना चालू कर देंगे, अपने आप ही गलत सही आए, ऐसा रास्ता बना। सत्संग के लिए, और सत्संग के लिए कौन आता है पता है? जो अच्छे लोग होते हैं, जिनका मन पवित्र होता है, इसीलिए सत्संग को कहा गया सतानाम जनानाम संगह इति सत्संग, अर्थात सज्जनों के साथ उठना बैठना ही सत्संग, क्योंकि सज्जनों के साथ बैठोगे तो भगवान की चर्चा करेंगे,